हेलो फ्रेंड्स, टेक प्लेट्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, आपके पास काफी सारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, काफी सारे बैंक होते हैं, HDFC कार्ड, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, आपका SBI बैंक, ICICI बैंक, SBM बैंक। तो इनमें से आपके अलग अलग इनके वेरियंट्स रहते हैं क्रेडिट कार्ड्स के, और इसमें भी आपके रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड रहते हैं। आपको कौन सा कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपकी जरूरत के हिसाब से आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए, इसकी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी समस्या रहती है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा आपको। यदि आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पाता है बाई चांस, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जिसके थ्रू आप मेरे से चैट कर सकते हैं डायरेक्टली। तो उसमें मैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसे मुझे बताइए, मैं आप जरूर से जरूर आपकी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बैंक चूज करना है, कौन से बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहिए। तो बैंक में आपको देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए बैंक में प्री अप्रूव्ड जो भी ऑफर आपके पास रहते हैं, मतलब कोई भी क्रेडिट कार्ड है उसका आपको कोई प्री अप्रूव्ड ऑफर आ रहा है, तो आपका क्या होता है, आप जैसे उसको अप्लाई करते हैं तो आपको वो इजिली अवेलेबल हो जाता है। इजिली वो आपके, मतलब प्री अप्रूव्ड बैंक तभी देता है जब आपकी कुछ क्वालिटीज उनको लगती है, या तो आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, या आपकी बैंक बैलेंस अच्छा है, उन चीजों को देख के, आपके क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, उन सबको देख के आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो क्या होता है कि कोई भी प्री अप्रूव्ड ऑफर आपके पास है, तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी चाहिए वो क्रेडिट कार्ड आप लें। यदि आपका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री इससे पहले नहीं है या नए के बराबर है, तो आपको स्कोर आपका बिगड़ा हुआ है, तो आपको सबसे पहले प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या देखना होता है, उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन है इसमें जो बैंक है इनमें, कि कौन सा बैंक आपको अच्छी लिमिट प्रोवाइड कर रहा है, आप ये देख सकते हैं। तो जो भी आपको लिमिट है आपको देखने को मिलेगी अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स की, तो जनरली क्या होता है, जो लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड्स के में, जो आपको लिमिट मिलती है वो आपके जो क्रेडिट स्कोर होती है उसके अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। यदि आपका स्कोर अच्छा होता है तो आपको अच्छी लिमिट मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा क्रेडिट स्कोर 1 था, उस 1 क्रेडिट स्कोर, सेम क्रेडिट स्कोर के लिए मेरे को HDFC की अलग लिमिट मिल रही थी, उसके कोटक बैंक के लिए अलग मिल रही थी, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है उसकी अलग, मतलब 1 स्कोर के लिए आपको अलग अलग बैंक अलग अलग लिमिट प्रोवाइड करते हैं। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस मैं बता दूं, मुझे अब तक जो है ICICI बैंक की लिमिट सबसे अच्छी लगी है। तो जैसे अमेजन कार्ड होता है ICICI बैंक का, ये काफी अच्छी लिमिट प्रोवाइड करता है। यदि आपको इस तरह के कार्ड यदि प्री अप्रूव मिल जाए गलती से, तो आपको जरूर इसके लिए पहले चलना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना चाहिए कि आपको परचेजिंग ऑफर कौन सा बैंक आपको बेटर दे रहा है। मान लो आप शॉपिंग करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पर, तो आपको फ्लिपकार्ट जो क्रेडिट कार्ड है वो जनरली एक्सिस बैंक बनाता है, तो उसको लेना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अमेजन पर शॉपिंग करने के ज्यादा शौकीन है, तो आपको अमेजन में ICICI बैंक जो है क्रेडिट कार्ड देता है, अमेजन क्रेडिट कार्ड, तो वो आपको लेना चाहिए। तो आपको दूसरा जो चुनने का रास्ता है वो ये है कि आप कौन सा, क्या काम आप करते हैं, कहाँ पे आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं, और किस चीज में आप उसको यूज लेना चाहते हैं, तो ये चीज आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं ये 3 तरीके के रहते हैं। एक तो और भी इसके अलग अलग मतलब पेमेंट सिस्टम रहते हैं, जैसे कि एक रुपए है, एक वीजा है, एक मेस्ट्रो है, तो ये 3 कार्ड रहते हैं। अब आपको कौन सा कार्ड चुनना होता है रुपए, वीजा और मेस्ट्रो में से, इसको ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स जो रुपए रुपए कार्ड होता है, ये रुपए कार्ड रुपए के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि इंडियन पेमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। और जो वीजा है, ये वीजा इंडियन पेमेंट सिस्टम नहीं है, ये बाहर का है, तो इसमें चार्जेस वगैरह भी ज्यादा लगते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आप कब रुपए कार्ड लेना है, कब आपको वीजा कार्ड लेना है, इसकी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यदि फ्रेंड्स आपका जो मंथली यूज है, या आपको जो पैसों की जरूरत पड़ती है वो बहुत कम है, मतलब कम पैसे 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से चाहिए होते हैं मंथली उधार लेने के लिए, तो आपको रुपए कार्ड की तरफ जाना चाहिए। रुपए कार्ड्स में क्या होता है फ्रेंड्स, आप कोई भी जैसे ये हमारे जो पेटीएम वगैरह है, इनसे एक बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, उसमें आप अपना स्कैन करके उसमें पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां आपकी एक लिमिटेशन रहती है, रुपए कार्ड में आपको ये लिमिटेशन देखने को मिलती है। यदि आप डायरेक्ट रुपए कार्ड से जैसे हमारा पेमेंट करते हैं, लाइक जो
रेंट पेमेंट है, रेंट पेमेंट के थ्रू आप रुपए कार्ड से पेमेंट करके पैसा निकालना चाहते हैं तो आपका चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। तो इसलिए यदि आप रेंट के थ्रू यदि पैसा निकालते हैं बड़े अमाउंट में, तो आपको रुपए कार्ड वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहिए। और यदि आप रेंट पेमेंट के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको वीजा क्रेडिट कार्ड की तरफ जाना चाहिए। वीजा क्रेडिट कार्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट स्कैन करके यूपीआई के थ्रू आप पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे हम कहीं भी गए, वहां जाके हमने उसका स्कैनर स्कैन करके यूपीआई से पैसा भेज दिया, ऐसा वीजा कार्ड में अवेलेबल नहीं रहता है। यदि आप इस तरह की फैसिलिटी चाहते हैं तो आपको रुपे कार्ड वाला वेरियंट आपको चुनना चाहिए। रुपे जो आपका पेमेंट सिस्टम है उसका ही आपको कार्ड लेना चाहिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम यह रहती है कि आपकी लिमिटेशन का, जो मैंने आपको बताया, लिमिटेशन रहती है कि आप मंथ में शायद मंथ में या एक बार में इसमें जो ट्रांजेक्शन किया जाता है वो 4800 रुपये ही आप कर सकते हैं। जबकि वीजा कार्ड में तो हम स्कैन करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट ही नहीं कर सकते, तो उसमें हमें रेंट पेमेंट या कोई अदर स्टेप में अदर तरीके से हमें पेमेंट निकालना होता है जिसमें आपका चार्जेस अलग लगता है। जबकि हम उन पेमेंट को यदि उस तरीके से रुपए कार्ड से निकाले तो आपके चार्जेस ज्यादा लगेंगे। इसलिए आपको इन चीजों से बचना है, ये चीज ध्यान रखनी है कि रुपए कार्ड में यदि आप डायरेक्ट पैसा निकालते हैं तो आपके चार्जेस ज्यादा लगते हैं। इसलिए आपको रुपए कार्ड नहीं बनवाना है, वीजा बनवाना है उस केस में। यदि आप डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू पैसा निकालना चाहते हैं, एक आप 4-5 हजार तक ही महीने में आपको जरूरत पड़ जाए तो आप रुपए कार्ड बनवा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है, आपको देखना होता है वेरियंट्स। तो अलग अलग जो हमारे क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं उनके वेरियंट्स अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपका एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में ही आपको फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिलता है, नियो क्रेडिट कार्ड भी मिलता है, IOCL का भी मिलता है। तो अलग अलग वेरियंट्स इनमें देखने को मिलते हैं, तो आपको कौन सा चुनना चाहिए? इसमें मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, जो अलग अलग वेरियंट्स होते हैं उनकी फीस भी अलग अलग रहती है। कोई आपको 500 रुपये सालाना के चार्ज करता है, कोई 5 हजार भी करता है, कोई 10 हजार और 15 हजार भी करता है। 10-15 हजार तक भी काफियों के चार्ज रहते हैं अलग अलग वेरियंट्स के, ठीक है? तो आपको क्या होता है, आपको जरूरत के हिसाब से उसमें फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके जो भी आप शॉपिंग करते हैं, जो भी आपको कैशबैक चाहिए होता है, उनके अकॉर्डिंग आप एक क्रेडिट कार्ड चुने, उस वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बजाय आप एक बार एकदम आंख बंद करके पता चला आपने एक वेरियंट बनवा लिया, बाद में आपको पता चलता है इसकी तो फीस ही 5 हजार रुपये सालाना है, तो आपको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आप अपने अफोर्डेबल जो फीस है उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड बनवाएं। काफी फ्री क्रेडिट कार्ड भी रहते हैं जो आपके एकदम फ्री रहते हैं, जिनकी कोई फीस नहीं देनी पड़ती सालाना, तो आप वो भी उनकी तरफ भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन उनमें क्या होता है, कैशबैक ऑफर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। जबकि अदर जो होता है, जैसे IRCTC का क्रेडिट कार्ड, IOCL का क्रेडिट कार्ड, पेट्रोल पंप के लिए क्रेडिट कार्ड, सबके लिए अलग अलग वेरियंट्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग बैंक के। तो आप जहाँ भी क्रेडिट कार्ड को ज्यादा यूज लेते हैं, जैसे कि यदि आप एयरटेल पर यूज लेते हैं तो एयरटेल में 25% कैशबैक मिलता है। तो एयरटेल का आपके पास सिम है, आप उसमें रिचार्ज करते हैं तो आपको प्री अप्रूव्ड मिल जाता है। उसमें क्या होता है, आपके एयरटेल क्रेडिट कार्ड में आपको काफी अच्छा कैशबैक देखने को मिलता है। तो यदि आप एयरटेल सिम रखते हैं तो आपको वो कार्ड बनवाना चाहिए एक्सिस बैंक का। तो इस तरह से आपको वेरियंट्स अलग अलग चुनने होते हैं जिसको आप उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें। यदि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्स देने की। मैं लगभग 90% 95% जो कमेंट्स हैं उनको रिप्लाई करता हूँ, तो आपको भी जरूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।